गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल ऑन हॉर्टिकल्चर और शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जा चुका है विभिन्न प्रकार के हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर फ्लावर इनिशिएशन इन कॉलीफ्लावर इज नोन एज। तो सबसे पहली बात, ये जो सवाल पूछा गया है दैट इज बेस्ड ऑन कॉलीफ्लावर। सवाल ये पूछना चाहा है कि जब हम कर्ड के, गोभी के कर्ड का सेंट्रल पोर्शन रिमूव कर देते हैं, रिमूव क्यों करते हैं ये भी बताया गया है, सो दैट रिमूवल के बाद फ्लावर इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो सके। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो दिस प्रोसेस इन कॉलीफ्लावर इज नोन एज स्कूपिंग। साथ ही साथ कॉलीफ्लावर में एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जहां से पेपर में सवाल आते हैं, एंड दैट इज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग करने से जो कॉलीफ्लावर के कर्ड के येलोइंग का प्रोसेस है वो भी रुक जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग पर आधारित सवाल है। पहले लिस्ट में डिसऑर्डर्स के नाम दिए हैं और दूसरे लिस्ट में क्रॉप्स के नाम दिए हैं जिनमें ये डिसऑर्डर होता है। आकाशन इज अ वेरी फेमस डिसऑर्डर ऑफ रेडिश, और ये आकाशन जो डिसऑर्डर है ये बोरॉन की कमी से होता है। कैविटी स्पॉट गाजर का डिसऑर्डर है, और आपको बता दूं ये सेम सवाल आरएचओ 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट इज अ डिसऑर्डर ऑफ बीटरूट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हिपटेल। व्हिपटेल भी व्यापम में काफी कॉमन क्वेश्चन है, कॉलीफ्लावर का डिसऑर्डर है, एंड इट इज कॉज्ड बाय मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से कॉलीफ्लावर में व्हिपटेल नाम का डिसऑर्डर होता है, और ये जो व्हिपटेल नाम का डिसऑर्डर आप देख पा रहे हैं कॉलीफ्लावर में, ये ज्यादातर एसिडिक सॉइल्स में होता हुआ नजर आया है। इसीलिए अक्सर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉइल में लाइम डालते हैं, चूना, सो दैट एसिडिक सॉइल का पीएच क्या हो जाए, बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिबिस्कस की फैमिली क्या है? यूफोरबिएसी। तो आपको बता दूं कि यूफोरबिएसी में कसावा आता है, कसावा इज अ वेजिटेबल। रबर प्लांट आता है, एंड साथ ही साथ एक फ्रूट आता है दैट इज आंवला। नेक्स्ट इज वर्बीनेसी। तो वर्बीनेसी फैमिली में हमारे पास एक खरपतवार है, लैंटाना कैमरा। ये लैंटाना कैमरा जो खरपतवार, इट कम्स अंडर द फैमिली वर्बीनेसी। साथ ही साथ एक जंगलों का पेड़ होता है टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस, इसकी भी फैमिली वर्बीनेसी है। एस्टिरेसी तो खैर हिबिस्कस की फैमिली है नहीं, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मालवेसी। मालवेसी इज ऑल्सो द फैमिली ऑफ ओकरा, एंड ओकरा के अलावा कॉटन ऑल्सो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या है सवाल, क्या है सवाल है पीथीनेस इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स? रेडिश, टोमेटो, कुकुम्बर एंड स्वीट पोटैटो। सो द करेक्ट आंसर इज रेडिश। तो देखा आपने, हमने आज क्वेश्चन के बहाने रेडिश के दो डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, एक पिथिनेस है और दूसरा हमने शुरुआत में ही आकाशन पढ़ा। हमने रीजन भी पढ़ा कि आकाशन बोरॉन की कमी से होता है। नाउ लेट मी टेल यू कि पिथिनेस रेडिश में क्यों होता है। तो आप में से जिन भी बच्चों ने सीरियसली पढ़ाई की होगी उन्हें पता होगा कि जो पिथिनेस नाम का डिसऑर्डर है ये तब होता है जब आपने हार्वेस्टिंग को क्या कर दिया हो, मूली के केस में डीले कर दिया हो, मतलब समय के बाद आपने हार्वेस्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हो, या लेट से अगर आपने हार्वेस्टिंग की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रानी साहिबा इज अ वेराइटी ऑफ। सो रानी साहिबा इज अ वेराइटी ऑफ रोज, जस्ट रिमेंबर दिस। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, बट इस लास्ट क्वेश्चन की मदद से आप चार अलग अलग क्रॉप की, वो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप की वैरायटी सीखने वाले हो। लिस्ट नंबर 1 में क्रॉप का नाम है, लिस्ट नंबर 2 में वैरायटीज के नेम है। क्राइसेंथेमम की वैरायटी बीरबल साहनी है। कार्नेशन की वैरायटीज डोना, डोना, व्हाइट डोना, ये सब कार्नेशन की वैरायटीज हैं। मैरीगोल्ड की वैरायटीज अर्का अग्नि, एंड रोज की वैरायटीज टॉप सीक्रेट। सो ये थे करीबन 5 सवाल, बट इन 5 सवालों ने डेफिनेटली आपको करीबन 10 पॉइंट सीखने में तो हेल्प जरूर किए होंगे। That was all for today's session. Meet you in the next class. Thank you so much.